हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीना किचन में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मॉर्निंग नाश्ता की रेसिपी। मैं आज आपको बताऊंगी सूजी का हलवा कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से जल्दी बन जाता है, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज आपको बताते हैं सूजी का हलवा कैसे बनाएं। मैंने यहाँ पे सूजी ले ली, आधी कटोरी मैंने सूजी ली है, ये लगभग 200 ग्राम सूजी है। मैंने यहाँ पे गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डाल दिया 2 बड़ा चम्मच घी। अब हमारा घी गर्म हो चुका है, हम डाल देंगे इसमें सूजी। अब अपनी सूजी को चलाते हुए फ्राई करेंगे। पहले हम सूजी को घी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम अपनी सूजी को लो फ्लेम पर चलाते हुए भूनेंगे। हम अपनी सूजी को 10 मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे, जब तक इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता। हमारी जो सूजी है उसमें गोल्डन कलर आ चुका है और 10 मिनट भी हो चुके हैं। हमारी सूजी अब भून चुकी है। हम डाल देंगे इसमें 1 कटोरी पानी। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हमने इसमें पानी डाल दिया है। हम डाल देंगे इसमें काजू बादाम। हम अपने सूजी को 5 मिनट तक लो फ्लेम में चलाएंगे। हम डाल देंगे इसमें चीनी लगभग 2 बड़ा चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल सकते हैं। हम इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम में चलाते हुए पकाएंगे, जिससे हमारी चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। अब हमारा हलवा बनके तैयार हो चुका है, हम इसे सर्व करेंगे। हमारा सूजी का हलवा बनके तैयार हो चुका है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही मजेदार वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। और कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।